और आपको अब सीधे लिए चलते हैं जयपुर के बिरला स्टेडियम पर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 50 जिलों का अब राजस्थान राज्य होगा और 19 नए जिलों का शिलान्यास करने और स्थापना करने के लिए आप पहुंचे हुए हैं। हमारे बीच है जनाब सैयद अनवर शाह साहब, डायरेक्टर अल जमात अतुल आलिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच है ज्ञानी जगदीश सिंह जी, ग्रंथी साहब गुरुद्वारा राजा पार्क जयपुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। उप प्रवर्तनी महासाध्वी विरक्ता श्री जी महाराज साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिशप जोसेफ और आप हमारे बीच हैं बिशप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और फादर एडवर्ड ऑलिवेरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर जोरदार तालियों से हम अपने सभी धर्मगुरुओं का हृदयस्थ और अंतस्थ भाव से स्वागत करते हैं, जिनके आशीर्वाद के बिना हम आज के कार्यक्रम का आगाज करना संभव नहीं होगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन का संकेत, जैसा कि आप सबको मालूम है, पिछले 37 दिनों के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार इतने बड़े सार्वजनिक समारोह में हमारे बीच पधार रहे हैं। अस्वस्थ होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आज हमारे बीच है। राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियों से हम अपने अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करते रहे। और केवल कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच होंगे आज के इस समारोह में। आप सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट साहब हमारे बीच हैं। माननीय कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन तालियों के माध्यम से। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच तालियों के उद्घोष के साथ एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। एक नया राजस्थान बनाने का इरादा मन में है, बढ़ रहे हैं प्रगति की ओर हम जिस रफ्तार से, कर रहा हमको नमन ये विश्व भी उस पार से। और एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, स्वागत और अभिनंदन नव निर्मित जिलों पर उपस्थित स्थापना समारोह में उपस्थित हमारे सभी प्रभारी माननीय मंत्री गणों का, हमारे प्रशासनिक अधिकारी गणों का, जनप्रतिनिधि गणों का और उन जिलों की आवाम जो वहां मौजूद है, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आइए करते हैं स्वागत का सरस्वत अनुष्ठान। सबसे पहले हमारे धर्म गुरु जो आज हमारे बीच मौजूद हैं, हम सबसे पहले अनुरोध करना चाहेंगे अति सम्मानीय महंत कैलाश जी मोती डोंगरी, आप यहाँ मंच पर पधारें। और अनुरोध करना चाहेंगे श्री रामलाल जी जाट साहब माननीय राजस्व मंत्री राजस्थान, आप महंत जी का स्वागत और सम्मान। यही यही आप आइए आइए बोला जी आइए जी, पुष्प गुच्छ भेंट कर हम स्वागत और सम्मान करेंगे और उसके साथ ही नन्हा पौधा भेंट कर स्वागत और सम्मान करना चाहेंगे महन जी का। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ये नन्हा पौधा और पुष्प गुच्छ, पहले रुको पुष्प गुच्छ, पहले पहले पुष्प गुच्छ, पहले पुष्प।
पुष्पगुच्छ। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत और अभिनंदन किया महंत कैलाश जी का। और अब अनुरोध करना चाहेंगे जनाब सैयद अनवर शाह साहब, डायरेक्टर अल जामियातुल आलिया, आप मंच पर तशरीफ लाएं। पुष्पों की सुरभि के माध्यम से, क्योंकि फूलों में मन को महकाने वाली महक होती है और जब इन फूलों के साथ हमारी भावनाएं मिलती है तो बात ही कुछ और होती है। ये नन्हा पौधा बैम्बू ट्री, ये जनाब सैयद अनवर शाह साहब। और अनुरोध करना चाहेंगे ज्ञानी जगदीश सिंह जी, ग्रंथी साहब गुरुद्वारा राजा पार्क जयपुर, आप मंच पर पधारे। और माननीय से अनुरोध ज्ञानी जगदीश सिंह जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर और नन्हा पौधा भेंट कर आपका स्वागत और सम्मान करें। जी प्रदेश की खुशहाली और अमन चैन के लिए हम धर्म गुरुओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। अनुरोध करना चाहेंगे उप प्रवर्तनी महासाध्वी विरक्ता श्री जी महाराज साहब। महासाध्वी विरक्ता माता जी से अनुरोध। उनके प्रतिनिधि उनके सम्मान को ग्रहण कर रहे हैं और माता जी एक छोटी सी उपहार भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रही हैं। और इसके साथ ही बिशप जोसेफ, बिशप जयपुर, बिशप जोसेफ साहब, आप मंच पर तशरीफ लाएं। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा जी सूत की माला से सम्मान कर रही थी उप प्रवर्तनी माता जी का, बिशप जोसेफ। फादर एडवर्ड ऑलिवेरी, आप भी मंच पर तशरीफ लाएं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन फादर एडवर्ड ऑलिवेरी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राजस्व मंत्री जी। और आइए करते हैं एक बार फिर स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके सरकार के सभी साथियों का अभिनंदन। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, आपका स्वागत करने के लिए अनुरोध करना चाहेंगे। माननीय राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट साहब से आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सूत की माला पहनाकर और हरियाली खुशहाली वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक ये छोटा सा नन्हा हरा भरा पौधा भेंट कर माननीय का स्वागत और अभिनंदन करें। श्री रामलाल जाट माननीय राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार, अनुरोध करना चाहेंगे जिला कलेक्टर श्री प्रकाश राज पुरोहित जी से आप माननीय मंत्री महोदय को नन्हा पौधा भेंट करें और सूप की माला पहनाकर माननीय राजस्व मंत्री महोदय का स्वागत करें। ये नन्हा पौधा पुनः अनुरोध करना चाहेंगे माननीय जिला कलेक्टर महोदय से। श्री लालचंद कटारिया साहब माननीय कृषि मंत्री राजस्थान सरकार, आपको भी
सूत की माला पहनाकर और ये पौधा भेंट कर स्वागत और सम्मान करें। उन्हें आपसे अनुरोध करना चाहेंगे माननीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास का भी स्वागत और सम्मान करें। हमारे बीच है श्री गोपाल मीणा जी माननीय विधायक जम्वा रामगढ़ जयपुर, दिनेश जी अतिरिक्त जिला कलेक्टर, आपसे अनुरोध। हमारे बीच है श्री अमीन कागजी जी माननीय विधायक किशनपुर जयपुर, दिनेश जी से पुनः अनुरोध। हमारे बीच है श्री आलोक बेनीवाल जी माननीय विधायक शाहपुरा, अमृता चौधरी जी से अनुरोध। अमृता जी अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर, आप श्री आलोक बेनीवाल जी माननीय विधायक शाहपुरा को पुष्पगुच्छ भेंट करें और सूत की माला के साथ सम्मान करें। हमारे बीच है श्री रफी खान साहब माननीय विधायक आदर्श नगर, आपके स्वागत के लिए भी पुनः अनुरोध। हमारे बीच है श्रीमती गंगा देवी माननीय विधायक बगरू, आपके स्वागत के लिए भी पुनः अमृता जी से अनुरोध। हमारे बीच है श्रीमती उषा शर्मा मुख्य सचिव महोदया राजस्थान सरकार, माननीय जिला कलेक्टर महोदय से अनुरोध। हमारे बीच है अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अपर्णा अरोरा जी राजस्व अतिरिक्त मुख्य सचिव जिला कलेक्टर महोदय से अनुरोध। और हमारे बीच है श्री राम लोभाया सर, आपका स्वागत जिला कलेक्टर महोदय। आप पूर्व जी, ये था स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। हमने अपने अतिथियों का, आप सबका हृदयस्थ और अंतस्थ भाव से स्वागत किया, सम्मान किया और हम यही कहेंगे कि फूलों को हम बिछाएं कहाँ है हमारी बिसात, कांटे मगर हम उठा लेंगे आप सबकी राह से। और हमने सभी अतिथियों का स्वागत किया, सम्मान किया। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच का स्वागत और सम्मान। और अब अनुरोध करना चाहेंगे जिला कलेक्टर महोदय से, आप सभी का शाब्दिक स्वागत करें और अधिसूचना का पठन करें श्री प्रकाश राज पुरोहित जी जिला कलेक्टर जयपुर। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी, मंचासीन अतिथिगण श्री रामलाल जाट जी माननीय राजस्व मंत्री महोदय, श्री लालचंद कटारिया जी माननीय कृषि मंत्री महोदय, श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री महोदय, श्री गोपाल मीणा जी माननीय विधायक जम्वारामगढ़, अमीन कागजी विधायक किशनपोल, आलोक बेनीवाल जी विधायक शाहपुरा, रफीक खान जी विधायक आदर्श नगर, गंगा देवी जी विधायक बगरू, आदरणीय उषा शर्मा जी मुख्य सचिव महोदय, अपर्णा अरोड़ा जी अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग, श्री राम लोभाया जी अध्यक्ष जिला गठन समिति, यहाँ पर उपस्थित सभी धर्मगुरु और उपस्थित सभी जो दोनों जिलों से पधारे हुए नागरिकगण, मेरे को यहाँ पर जिले की जो अधिसूचना है उसके पठन के लिए निर्देशित हुआ है, मैं उसको आप सबके सामने मैं पढ़ता हूँ। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 15-16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राजस्थान सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है। जिलों का गठन पुनर्गठन, जयपुर जिले का मुख्यालय जयपुर होगा जिसमें निम्नलिखित उपखंड तथा तहसीलें सम्मिलित होंगी। उपखंड एक जयपुर, इसमें तहसील जयपुर तहसील का नगर निगम हेरिटेज एवं नगर निगम ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग एवं तहसील कालवाड़ का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंदर आने वाला समस्त भाग, उपखंड आमेर, इसके अंदर तहसील आमेर
का नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अंदर आने वाला समस्त भाग, तहसील सांगानेर का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग। सेकंड, जयपुर ग्रामीण जिला गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय जयपुर होगा। जयपुर ग्रामीण जिले में निम्नलिखित उपखंड तथा तहसीलें सम्मिलित होंगी। पहला उपखंड जयपुर, इसमें तहसील रहेंगी तहसील जयपुर का नगर निगम हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग। तहसील कालवाड़ का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर समस्त भाग। सेकंड उपखंड सांगानेर तहसील का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग। आमेर तहसील के नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर समस्त भाग। तहसील जालसू, उपखंड बस्सी तहसील तुंगा, उपखंड चाकसू तहसील कोट खावदा, उपखंड जम्वारामगढ़ तहसील आंधी, उपखंड चोमू तहसील चोमू, उपखंड सांबर लेक तहसील फुलेरा सांबर लेक, उपखंड माधुराजपुरा तहसील माधुराजपुरा, उपखंड रामपुरा डाबड़ी तहसील रामपुरा डाबड़ी, उपखंड किशनगढ़ रेनवाल, उपखंड जोबनेर तहसील जोबनेर, उपखंड शाहपुरा तहसील शाहपुरा। यह अधिसूचना दिनांक 7 अगस्त 2023 से प्रभावी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जिला कलेक्टर जयपुर श्री प्रकाश राज पुरोहित जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राजस्थान नई ऊंचाइयां छूने को अग्रसर, अंतिम व्यक्ति तक संचालित योजनाओं की पहुंच और राजस्थान के आवाम के हर जरूरतमंद की जरूरत को पहुंचने समझने वाले दूरदृष्टा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले कार्यकाल में ही कई योजनाओं का, कई नवाचारों का सूत्रपात कर दिया था और अब इसी क्रम में नवगठित जिलों और नए संभागों का स्थापना समारोह के इस आयोजन में मौजूद हैं आप सब हम सब। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट साहब से, आप अपना संबोधन हमें प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय, बोलो भारत माता की, भारत माता की। सम्माननीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय अशोक गहलोत साहब, साथ ही हमारे मंत्रिमंडल के साथी कृषि मंत्री लालचंद कटारिया साहब, हमारे साथी मंत्री भाई प्रताप सिंह जी खचरियावास साहब, हमारे वीसी के माध्यम से जुड़े हुए हमारे समस्त मंत्रीगण, साथ ही हमारे विधायक साथी भाई रफीक साहब, कागजी साहब, गंगाबेन जी, गोपाल जी और भी सभी वीसी के माध्यम से जुड़े हुए हमारे विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, हमारे प्रशासनिक इकाई के मुखिया चीफ सेक्रेटरी आदरणीय उषा शर्मा जी, हमारे जिला बनाने वाली कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय रामलोभाई साहब, राजस्व सचिव अर्पणा जी, विधायक आलोक जी और भी सभी अधिकारीगण, जिला कलेक्टर साहब, सभी धर्म गुरु के संत महात्माओं सभी को मेरा चरणों में प्रणाम नमन, सभी कार्यकर्तागण, सरपंच, वर्तमान भूतपूर्व, मीडिया के साथीगण। मेरे से पहले अधिसूचना का पठन हुआ, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य की कामना करूंगा कि ऐसा शानदार तरीके से आपने इतिहास तो लिखते हैं कई महानुभाव, लेकिन भूगोल बदलने वाले कम लोग ही होते हैं। आपने राजस्थान का एक भूगोल बदला, मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करूंगा। अगर राजनीति में ऐसे महापुरुष जिंदा रहना चाहिए जो आम लोगों की चौमुखी विकास की सोच रखते हो, लंबा विजन रखें, सीधा लोगों को लगे कि वास्तव में अब हमारे घर की समस्या मिटाने का काम जो अशोक गहलोत जी ने इन 4.5 साल में किया। मैं भी इतनी बार विधायक रहा हूं, डेयरी कोऑपरेटिव मिल्क का चेयरमैन रहा हूं, पुलिस में कांस्टेबल भी रहा, आर्मी में भी कांस्टेबल रहा, तमाम जगह किसान परिवार से गांव में खेती करते हुए आया। तो ऐसे चौमुखी विकास की सोच रखने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो काम किया, वास्तव में कई लोग फिर भी विरोध विपक्ष में या लोकतंत्र में रहते हुए करते हैं, लेकिन एक समझने की आवश्यकता है। आज तमाम उन जिलों की जो बरसों से मांग, आज इन धर्म गुरुओं के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन जिलों का आज से ही अधिसूचित होकर
नया काम जो शुरू हुआ, इससे सीधा फायदा किस तरह होगा, ये एक समझने की बात है आम लोगों को। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा जिला छोटा बन गया, कोई कहता हमारा जिला बड़ा हो गया, कोई कहता मेरी सीमा में इधर गांव नहीं आया, मेरे इधर नहीं आया। लेकिन आप एक बात पे विचार करो कि इन 4.5 साल में प्रशासनिक इकाइयों का जो विकेंद्रीकरण हुआ, जिस तरह सुलभ न्याय मिले, आज किस तरह मुकदमे हैं, आज विधानसभा में क्वेश्चन लगते हैं, 5-5 लाख मुकदमे रेवेन्यू कोर्टों में, राजस्व विभाग में, एसडीएम तहसीलदार जी आरडब्ल्यू एडीएम कलेक्टर कमिश्नर के वहां पेंडिंग है। कितने लोग तकलीफ पा रहे हैं, इस बात पे कोई नहीं सोचता। सीधा फायदा इन जिलों का जो आम लोगों को होगा। आप कभी भूतों में भविष्य थे, ये धर्मगुरु के सामने श्रावण मास चल रहा है, आप लोग विचार करिए। आज पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग देखते हैं कि वास्तव में इन 4.5 साल में 1500 के लगभग तो नए राजस्व गांव का नव निर्माण हुआ, जिसको भारत सरकार भी मानती, राजस्थान सरकार भी मानती। सीधी भाषा में कहें, जीवने के लिए जाते हैं तो चिट्ठी समाज की चलती, लेकिन राज की चिट्ठी नहीं चलती। राज की चिट्ठी देने का उन 1500 गांव में पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया, एक बहुत बड़ा काम किया। कई सरकारें आई वोट से, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह का विकेंद्रीकरण का नहीं सोचा। इसी तरह हमारी 125 उप तहसील खोल दी मुख्यमंत्री जी ने, इसी तरह हमारे 85 नई तहसील खोल दी, इसी तरह हमारे 35 नए एसडीएम कार्यालय खोल दिए, इसी तरह 13 हमारे एडीएम कार्यालय खोल दिए, इसी तरीके से हमारे आज 19 नए जिले बने। ये सीधा सीधा लाभ आम जनता को होगा, प्रशासनिक अधिकारी सीधे गांव तक पहुंचेंगे, टाइम दे पाएंगे। आज कई लोग राज करने के लिए धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं, कई लोग राज करने के लिए लोगों को लड़ाते हैं, लेकिन इस तरह की सोच रखने का काम अशोक गहलोत जी ने किया कि 2020-30 में राजस्थान किस तरह का हो, और उसके लिए महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज की जो सपना है वो अशोक गहलोत जी ने साकार किया। और आज इन द्रव गांवों के सामने मुझे भी, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि ऐसे स्वर्णिम अवसर पर मुझे भी राजस्व मंत्री का विभाग दिया, जो इस इतिहास के पन्नों में लिखने वाली चीज में मेरा भी नाम आपने जो कायम किया इन नए जिलों में, बहुत बहुत मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा। आज के उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। और सबसे बड़ी बात, कई बार राजस्व मंत्री के नाते ज्ञापन भी आते हैं, हमारे विधायक भी कहते हैं, सरपंचगण भी कहते हैं, कई मीडिया टीवी के माध्यम से धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लोग आते हैं, उनको समझने की बात है। ऑप्शन खुला रखा गया, 6 महीने टाइम बढ़ा दिया, नए जिले भी बनेंगे, नए संभाग भी बने। आज छोटे जिले हरियाणा में, आज भी महेंद्रगढ़ जिला है और उसका ऑफिस है नारनौल में, गुजरात के अंदर आज भी बनासकांठा और साबरकांठा उसके ऑफिस दूसरी जगह है, जिले वहां है, ऐसे कई जिले हैं। अरे आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पर राम लुभाया जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने उनकी कमेटी का टाइम बढ़ाया और लोगों की सुनेंगे, और लोगों की सुनकर और नए जिले का ऑप्शन जो खुला रखा कि आने वाले समय में जनता के लिए सुलभ न्याय के लिए आप और जिलों का गठन करने का जो निर्णय खुला रखा, एक बहुत अच्छा काम रखा, बहुत ही अच्छा काम। मैं मीडिया के माध्यम से भी तमाम हमारे उन भाई जो कोई ज्ञापन दे रहे, कोई धरने दे रहे, उनको भी मैं निवेदन करूंगा, आप राम लुभाया जी कमेटी में रखें, और जो मौका होगा उसमें निश्चित रूप से आप मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि राजस्थान किस तरह हो, हर घर में न्याय हो, हर घर में खुशहाली आए, उसके लिए आप इनका सहयोग करें राजनीति में। निश्चित रूप से राजनीति से ऊपर उठकर उन लोगों को आह्वान करूंगा जो कई बार व्हाट्सएप इंडस्ट्री से भड़काने का काम करते हैं, कई बार ऐसी चीजें डालने का काम करते हैं, तेरा जिला तो इधर चला गया, अब तेरे का कौन पूछने वाला, कोई जिला कहीं नहीं गया, और सीमाएं छोटी हुई, अगर और खुला ऑप्शन है, कोई ग्राम पंचायत चाहती मुझे इधर नहीं रहना, मेरे उधर रहना, आप लिख के दे, आपकी ग्राम सभा का निर्णय एसडीएम तहसीलदार कलेक्टर के माध्यम से भेजे, राम लुभाया जी कमेटी के माध्यम से जिस जिले को इधर करना उधर करना, तहसील को मिलाना, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम करवा देंगे, कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अमुक लोग केवल राजनीतिक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से झूठ पर भ्रामक प्रचार फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको निवेदन करूंगा इस मीडिया के माध्यम से, आज वीसी के माध्यम से, आप कतई चिंता नहीं करें, आप विधिवत तरीके से कमेटी के अंदर रखें, हम उसका सही न्याय करेंगे। यही बात कहते हुए मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नए जिले का समर्पण आज से हुआ, उनको अच्छा न्याय मिलेगा। और एक बार और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार आगे रिपीट हो, उसके लिए सारे द्वार खुले रख रखे, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से नए जिले भी होंगे और तहसीलें बनेगी और उपखंड बनेंगे, जितना न्याय आने वाले समय में परिसीमन होगा लोकसभा विधानसभा का, और हमारे एमएलए भी बनेंगे,
हमारे एमएलसी भी आएंगे, हमारे सांसद भी बनेंगे, हमारे नए जिला प्रमुख बनेंगे। कब बन पाएंगे? जब रेवेन्यू इकाइयों का पुनर्गठन होगा, जब रेवेन्यू इकाइयों का विकेंद्रीकरण होगा, और वो काम अशोक गहलोत जी ने किया। इसलिए राजनीति में ऐसे आदमी को जिंदा रखने का हमारा धर्म बनता है। मैं तमाम भाइयों से आह्वान करूंगा, आप ऐसे धरने प्रदर्शन को छोड़कर सहयोग करें, हम सब मिलकर राजस्थान का नया इतिहास लिखेंगे। यही बात कहते हुए बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट साहब। और हमारे बीच है नव जिला गठन समिति के अध्यक्ष श्री राम लोभाया जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, आप अपना संबोधन हमें प्रदान करें। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव महोदया, अतिरिक्त सचिव राजसव, माननीय विधायक महोदय, उपस्थित सज्जनों एवं देवियों, सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे समिति का अध्यक्ष बनाया, जो एक बहुत ही चुनौती भरा काम था। मैं आपको साफ साफ बताना चाहूंगा कि ऐसे निर्णय करना या ऐसी सिफारिशें करना बहुत ही एक कठिन कार्य था। हमारे पास 60 जगह की मांग हमारे सामने थी और उसके बाद भी मांग आती गई, अनेकों डेपुटेशन हमारे पास आए, और जो माननीय मुख्यमंत्री का एक विजन है राजस्थान के लिए कि आज आजादी के बाद 75 साल बाद भी हमारी तहसीलें, सब डिविजन कई 200 किलोमीटर दूर हैं जिला मुख्यालयों से, वहां के लोगों का समाधान कैसे हो, कैसे समीकरण बनाए जाएं तहसीलों के, सब डिविजन के, और इसमें कई मापदंड हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं जब एक जिले का गठन होता है, तो उसको देखते हुए हमने काफी प्रयास किए कि अधिक से अधिक जो वाजिब मांगे हैं उन पर विचार करें। तो हमने अभी तक 37 के करीब मांगों का जो परीक्षण करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे, और आज मुझे कहते हुए ये कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सामने मैंने रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उन्होंने पहले ही कहा कि 19 जिले ये तो बहुत लंबा काम है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं रिपोर्ट पढ़ूंगा। और ये सुनने के बाद हमें भी आशा नहीं थी कमेटी में कभी भी कि वो 19 के 19 जिलों की घोषणा करेंगे। इससे मैं खुद हैरान था, मैं बाहर था उस समय, मुल्क से बाहर था, मुझे किसी ने बताया, मुझे खुद ये यकीन नहीं आया कि इतना बड़ा फैसला कोई सरकार इतनी जल्दी कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये कहें राजस्थान के निवासियों के लिए, मेरे ख्याल में इससे सुनहरी मौका नहीं आ सकता। ठीक है, कुछ जिलों से अभी कई तरह की परेशानियां आ रही हैं, लोगों के में कई जगह पे रोष भी है कि हमारा जिला नहीं बना, लेकिन सरकार ने ऑप्शन खुला रखा है। अभी हमारे सामने मांगे पड़ी हैं उनकी, उनको सुनेंगे, उनकी जो बाजे मांगे हैं उन पर कमेटी निश्चित रूप से विचार करेगी, और हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को सरकार का जो नीतियां हैं, सरकार के कार्यक्रम हैं, उनको नजदीक, उनको प्राप्त हो और उनको मिले। और मैं आश्वस्त करता हूं कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी न्यायोचित मांगे हैं उन पर हम विचार करें, और हम सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे और ये माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और इससे ज्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। पुनः आभार प्रकट करता हूं सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि मुझे इस एक बड़े मिशन में शामिल करके उन्होंने ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम लोभाया जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार राजस्थान को स्वर्णिम राजस्थान बनाने के लिए एक के बाद एक, एक के बाद एक सपनों को आकार दे रहे हैं। और आज का ये दिन
स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। ईश्वर करे दुनिया के किसी जलजले के सामने ये सिलसिला कभी रुके नहीं, कभी थमे नहीं। हमारे बीच है मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा जी। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना संबोधन हमें प्रदान करें, माननीय मुख्य सचिव महोदया। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान के समस्त नवीन जिलों से जुड़े हुए माननीय मंत्रीगण, मंच पर सभी माननीय मंत्रीगण सदस्य, सांसदगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, धर्म गुरुजन, सभी अधिकारीगण, नवीन जिलों से मेरे बड़ी संख्या में जुड़े हुए निवासी और मीडिया बंधु, जन भावना का हुआ सम्मान, 50 जिलों का हुआ राजस्थान, बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है और मैं आपकी ओर से और सभी की ओर से माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और मुख्य सचिव होने के नाते मैं यहाँ कुछ अपनी भावनाओं से भी अवगत कराना चाहूंगी कि हर मुख्य सचिव का एक सपना होता है कि वो इस तरह के पलों का, जो ऐतिहासिक पल होते हैं, उसका हिस्सा बने। और आज मैं मुख्य सचिव के पद पर इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनी, मुझे इस बात की बेहद बेहद खुशी है। जब से मैंने पद ग्रहण किया है, तब से एक जब भी मैं किसी परिवादी से मिलती थी और वो जब ये कहते थे कि उनको जिले में जाने में वक्त लगता है या अंतिम छोर तक जिस तरह से सक्रिय तरीके से मॉनिटरिंग करके या दौरा करके जिस तरह से लाभ मिलने चाहिए, भरपूर कोशिशों के बाद भी कभी कभी कुछ कमियां रह जाती थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा में जो जिलों का घोषणा की, उससे जो गुड गवर्नेंस मॉडल राजस्थान का जो है, उसमें इन नए जिलों की स्थापना से उनमें बहुत बहुत इजाफा होगा गुड गवर्नेंस में। और राजस्थान आज भी ज्यादा से ज्यादा योजनाओं में अव्वल नंबर पे या पहले 3 नंबर में है, अब सभी योजनाओं में अव्वल रहेगा। इन नव सृजित जिलों से हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे। जिलों की स्थापना से उन जिलों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ग्रोथ, नए हॉस्पिटल, नए कॉलेज, नए पुलिस स्टेशन, नए न्यायालय, ये सब जो है इनका गठन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब के गठन से किस तरह से वहां इन्वेस्टमेंट आएगा, किस तरह से रोजगार के अवसर और सृजन होंगे। इसकी सूची बहुत लंबी है, तो मैं बहुत ब्रीफ में ही आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस पद पे ये समझ सकती हूं कि अब इन जिलों की स्थापना के बाद, गठन के बाद, आज से जिला कलेक्टर्स, एसपी, जो अब तक ओएसडीज थे, जिन्होंने वहां जाके उन जिलों को, नए जिलों को समझा, वहां की परेशानियां तकलीफ समझी, अब आज से जब वो जिला कलेक्टर और एसपी अपने पद को एज जिला कलेक्टर एसपी संभालेंगे, तो उनकी और उनकी टीम सक्रिय होके सभी योजनाएं, और राजस्थान में जिस तरह की योजनाएं आपने महंगाई राहत कैंप में देखी, वो अपने आप में देश में मॉडल बन के उभरा है। और सभी व्यक्तियों को इसमें जो है, ज्यादा से ज्यादा परिवारों को इसमें जो है लाभ मिले हैं। और जो हमने डीबीटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में समय समय पर जो है डायरेक्ट लाभ से लाभार्थियों किस तरह से लाभ दिए गए हैं, आप सब उससे परिचित हैं। चाहे वो गैस सब्सिडी था, पेंशन थी, चिरंजीवी था, पालनहार था, सूची इतनी लंबी है कि शायद 1 से 2 घंटे भी योजनाओं के विवरण देने में शायद कम पड़ेंगे। तो आज मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, राजस्व मंत्री महोदय को, पूरी टीम को
आप सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। और आज ये स्वयं अवसर है और इस नए रेजोल्यूशन के साथ की ये जो ऐतिहासिक पल है और जो हमें इसमें सौगात मिली है, इसमें हम पार्टिसिपेट करके नई ऊर्जा से, नए कॉन्फिडेंस के साथ हम बेहतरीन सबसे बेहतरीन मॉडल राजस्थान का गवर्नेंस में बनाए। हम इसी आशा के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो आपका सपना है और जिस उद्देश्य से आपने बजट घोषणा की, जिसकी क्रियान्विति आज पूरी तरह से हो गई है, उसमें हम आपकी अपेक्षाओं में खरे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा जी। समृद्ध विकसित भारत, एक स्वप्न जो तैरता था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आंखों में, ख्वाब जिसे लेकर बढ़े थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और संपन्न समृद्ध राजस्थान, एक स्वप्न जिसे पूरा करने में आज भी जुटा है माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के साथ प्रदेश का नेतृत्व। हमारे सभी माननीय मंत्रीगण अपने अपने प्रभारी जिलों में मौजूद हैं आज इस जिलों के स्थापना दिवस के समारोह में। राजस्थान सरकार के प्रमुख सरोकारों पर इस पथ पर कदम दर कदम आगे बढ़ती प्रदेश सरकार, और जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार था, सचमुच हमारा राजस्थान स्वर्णिम राजस्थान। आइए करते हैं उन क्षणों में सहभागी बनते हैं हम सब। मैं कहना चाहूंगी कि कल मिले ना मिले लोग गवाही के लिए, कल आपके हाथ उठे ना उठे वाह वाही के लिए, आज के दिन को बना ले यादगार इतना कि कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ आपके सभी सरकार के माननीय मंत्री गणों का और आपके सभी विधायक गणों का और प्रशासनिक अधिकारी गणों का जो शामिल थे इस मुहिम में। जनभावना का हुआ सम्मान, 50 जिलों का हुआ राजस्थान, नवीन गठित जिलों का स्थापना कार्यक्रम जिसमें मौजूद हैं आप सब, हम सब। जनभावना के सम्मान के साथ हम आपको बता दें, भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होने के साथ राजस्थान में प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी। बड़े जिले बड़े संभाग होने के कारण सर्विस डिलीवरी मुश्किल होती थी और आम जन को भी जिला मुख्यालय तक जाने में बहुत अधिक समय लगता था। अब नए जिलों नए संभागों के बनने के समय और संसाधनों में बचत होगी और काम की नई रफ्तार आएगी और नए अवसर पैदा होंगे। आज सभी नवसृजित जिलों का स्थापना दिवस विधि विधान से मेहनत करी उन्होंने, लोगों की भावना, जिलों के लोगों की भावनाओं को समझा और उन्हीं जिले साथ में अस्तित्व आ गए। सीकर, पाली, बांसवाड़ा तीन संभाग बन गए। एक नई शुरुआत राजस्थान क्यों हो रही है, जो मैं बार बार कहता हूं आपको कि 2030 हमारा विजन होना चाहिए राजस्थान वासियों का। अभी तक हम लोग अकाल सूखे से जूझते रहते थे, रेगिस्तान के नाम से राजस्थान का नाम जाना जाता था देश के अंदर, दुनिया के अंदर भी राजस्थान हमारे रेगिस्तान, बरसात होती नहीं थी अधिकांश जगहों पर। 50-60 साल में बदलाव भी आ गया, मानसून में भी आ गया, प्रकृति ने हमारा साथ दिया। चार कानून बनाए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, इतिहास बन गया। वो भी एक नई शुरुआत है, पब्लिक को अधिकार दो कानून बना करके। पहली बार शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, और RTI और उससे ऊपर नरेगा। नरेगा ने क्रांति पैदा कर दी देश के अंदर। नरेगा नहीं होता तो आप कल्पना कीजिए, विश्वव्यापी जो महामारी आई थी कोविड की, कोरोना की, कई हमारे साथी चले गए, और जो मजदूर लाखों लोग चल रहे थे सड़कों पर, आपने हमने सबने देखा टीवी के अंदर, नरेगा नहीं होता तो उनका क्या होता।
सबको रोजगार मिला रहेगा से, जबकि उसके लिए तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस का स्मारक रहेगा, नरेगा में कोई दम नहीं है। नरेगा आज भी सबसे इम्पोर्टेंट रोजगार का साधन है। आपके आशीर्वाद से, प्रदेश वालों के आशीर्वाद से हमने एक नया कानून बनाया है, मिनिमम गारंटी एक्ट बनाया असेंबली के अंदर। उसके अंतर्गत हमने कहा है कि नरेगा का 100 दिन का रोजगार पार्लियामेंट के अंदर मिल रहा है, अब हम राजस्थान में 125 दिन की गारंटी देंगे पब्लिक को, मिनिमम गारंटी देंगे। अब आपको कानून बना के गारंटी मिली हो समझने की कोशिश करें पूरे प्रदेशवासी, राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी, राजस्थान मिनिमम जो ये गारंटी उसके अंतर्गत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की 125 दिन की गारंटी, ये भी क्रांतिकारी काम है। जो गरीब रहते हैं गांव के अंदर, किसान रहते हैं, पर शहरों में जो गरीब आते हैं उनको ही गारंटी मिल गई काम लेने की। अभी तक तो हमारे लोग कुछ समझ में नहीं पाते हैं और हम समझाने में कामयाब भी नहीं हो पाते हैं कि 100 दिन की गारंटी थी पार्लियामेंट की, जो मैं बार बार कहता हूं मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी जी ने कानून बनाया, उसमें आम जनता को नहीं मालूम है कि काम सरकार को देना ही पड़ेगा। अगर काम नहीं मिलेगा 15 दिन के अंदर तो कलेक्टर को घर बैठे उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी, एक तेज तनख्वाह देनी पड़ेगी। नहीं मालूम लोगों को, फायदा उठा नहीं पाते हैं। हमने गारंटी दी वापस, ये जो 25 दिन में काम देना पड़ेगा वरना घर बैठे पैसा देना पड़ेगा। शहरों में भी किया हमने, इसके नियम कायदे बनेंगे, अभी हाल ही में एक्ट पास हुआ है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो नया फैसले राजस्थान में हुए हैं, नया राजस्थान उभर के आया है, 2030 की बात करने की हिम्मत क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं साज कर रहा हूं, मैं प्रदेशवासियों के विश्वास के आधार पर साज कर रहा हूं। मैंने महसूस किया अब राजस्थान में दम कम है जो पहले नहीं था, क्योंकि अकाट हुए पड़ते थे, रोजगार मिलता नहीं था, उद्योग धंधे थे नहीं, परेशानी होती थी ज्यादा। अब हम शिक्षा के क्षेत्र में सारी प्रीमियम संस्थाएं देश की जो है, IIT, IIM, IIIT, लॉ यूनिवर्सिटी और उससे अधिक राजस्थान में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जो देश में कहीं नहीं थी, आयुर्वेद के बाद पहली यूनिवर्सिटी मैंने बनाई आयुर्वेद की, जयपुर में संस्कृत विश्वविद्यालय पहला हमने बनाया है और साथ में लिफ्ट की स्कीम होती है, बहुत शानदार ट्रेनिंग होती है। कृषि यूनिवर्सिटी 3-4 खोल दी हम लोगों ने, पहले एक थी उदयपुर के अंदर, कॉलेज अनेक खोल दी, कृषि कॉलेज खोल दी, कॉलेज 70 साल में खोल दिए 250, मैंने 4.5 साल में खोल दी 303 कॉलेज खोल दी राजस्थान में। सारी स्कूलों को सेकेंडरी थी सबको सीनियर सेकेंडरी बना दी एक झटके के अंदर, प्राइमरी से मिडिल से सीनियर सेकेंडरी सी थी, प्राइमरी की तो कोई संख्या नहीं है। विश्वविद्यालय 6 थे जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, आप लोगों के प्रदेशवासी सुन रहे इस प्रोग्राम को, इसलिए मैं कहना चाहूंगा प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहा हूं मैं कि मेरे मैं पहले था मुख्यमंत्री तो 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान के अंदर, आज राजस्थान में 96 विश्वविद्यालय। तो आप सोच सकते हो इतना, ए भाई मेरा थोड़ा मेरा फ्लू टूट जाएगा, मैं कई बार भूल जाऊंगा, फिर मैं बात सुनो। मैं तो लोग बैठे हुए हैं साधु संतों की तरह, मैं अगर प्रवचन करने लगूं तो 4-5 घंटे के प्रवचन में कम होगा, ये स्थिति है कामों की। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि आज शिक्षा में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं देश के अंदर। पहले हमारे बच्चे महाराष्ट्र में, पुणे में,
बेंगलोर में मेरे बच्चे बच्चे भी, मेरे खुद के लड़के लड़के भी, वैभव गहलोत भी, सोनिया गहलोत भी, अब वो सोनिया अंकल हो गई शादी होने के बाद में, वो बच्चे भी पुणे में पढ़े हैं वहां पर, आप सोच सकते हो। आज बच्चों को जाने की जरूरत नहीं बाहर, हमारे परिवार वाले बेहतरीन लड़की को भेजते नहीं है बाहर देश के अंदर। आज गांव के पास स्कूल हो, नजदीक में कॉलेज हो, और मैंने कह दिया 500 लड़के जहां स्कूल में होगी उसको कॉलेज बना दिया जाएगा। ये मैं चंद उदाहरण दे रहा हूं जो भी याद आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि हमने शिक्षा में बहुत क्रांति कर ली है, हम क्वालिटी भी जोड़ दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी हो, नौकरी लगा रहे हैं हम, 3000 नौकरी हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं लग रही होगी, हम लगा रहे हैं। 26 लाख बच्चे जा रहे थे एग्जाम देने के लिए, हमने पर्सनल इंटेक लिया, सब बच्चों को फ्री रोडवेज बस में हो जाएंगे। प्रताप सिंह खसेवाल था ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मीटिंग के लिए हमारी पैसे का आयोजन, बड़ा आयोजन था 26 लाख बच्चों का। वहां जानकारी मिली रोडवेज की बसें कम पड़ रही है, तो मैंने अनाउंस किया कम पड़ी प्राइवेट बसें लगाओ और फ्री में बच्चों को भेजो एग्जाम लाने के लिए। फिर हमने कलेक्टर को फोन किया सीएस के माध्यम से, बच्चे दूर दूर से आएंगे, अन्य जिलों में जाएंगे, कहां तो रहेंगे, कहां खाना खाएंगे। हमने कहा इन सबके रहने का इंतजाम करवाओ धर्मशालाओं में या और कई जगहों पर, वहां चैम्बर को, कॉमर्स को, इंडस्ट्री वालों को, समाज सेवाओं को खाने के प्रबंधन भी करे। मुझे कहते घर है, एकमात्र राजस्थान राज्य था जिसने इतना बड़ा काम किया। आगरा से बच्चे आए यहाँ पर एग्जाम देने के लिए, मुझे किस्सा बताया कि आगरा से बच्चे उतरे धौलपुर में, दो बच्चे थी जिनको बसेली जाना है, बसेली में उनका सेंटर आ गया, तो वहां के एसडीओ ने दोनों बच्चों को गाड़ी के अंदर बसेली भेजा, वापस आया उनको ट्रेन बैठाने के लिए, खाने का इंतजाम किया, रहने का इंतजाम किया। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं। और जैसे ही पूरे देश हर राज्य में जो बेईमानी हो रही है जुडिशरी में हो रही है, हाईकोर्ट का एग्जाम हो गए, आर्मी में एग्जाम हो गए, यूपी में, गुजरात में 22 बार पेपर आउट हो गए, हमारे यहां भी पेपर आउट की खबर आई, हमने हिम्मत दिखाई, कई राज्य सरकारें पिछली गवर्नमेंट ने भी, अगर पेपर आउट भी हो गया है वो छिपाते थे, कभी हो गया तो हो गया, कम से कम एग्जाम बच्चों को आगे बढ़ाओ, हमने वो काम नहीं किया, क्योंकि लाखों बच्चों के दिल में आता पता नहीं मैं नौकरी में आ जाता, पेपर आउट हो गया और सरकार कुछ नहीं कर रही है, हमने एग्जाम कैंसिल किया। तो जो हमने उनको खाने पीने का इंतजाम किया, रहने का इंतजाम किया, बसों फ्री करी, वो तो चला गया पीछे, और अपोजिशन पार्टी वालों के पास और कुछ काम है नहीं, आप जान सकते हो, कोई काम है क्या उनके पास में, कोई काम किया उन्होंने? आज अगर वो हमारी आलोचना करते, पान डालते जम करके प्रदर्शन करते, हर इश्यू पे करते, मुझे खुशी होती है। मैं उन लोगों में हूं, मैं मोदी जी की तरह नहीं हूं कि मैं अहम गमन में चलूं, मैं उन आलोचनाओं को, उनकी शिकायतों को, उनके धरनों को, प्रदर्शन को लेता इस रूप में, इसमें भी कुछ सच्चाई हो सकती है, तो हमें ध्यान दो, उसको सुधार करो, जिससे पब्लिक का भला हो, ये हमारी सोच है। तो कुछ नहीं किया इन लोगों ने, खाली फॉर्मेलिटी कर रही है, फॉर्मेलिटी करते हैं। अब कहें ना चेहरा कुछ नहीं होगा, मोदी जी चेहरा होंगे राजस्थान के अंदर, तो मोदी जी आएंगे सड़कें बनाने के लिए राजस्थान में, मोदी जी आएंगे पीएचई खोलने के लिए, मोदी जी आएंगे कॉलेज खोलने के लिए, मोदी जी आएंगे तहसील खोलने के लिए, मोदी जी आएंगे एडीएम लगाने के लिए, मोदी जी आएंगे यहाँ पर, उनके चेहरे इलेक्शन लड़ेंगे वो, बता दीजिए आप। कहाँ जा रहे लोग, कहाँ जा रहा देश, सरकारें गिरा रहे हैं,
अरे डेमोक्रेसी को जिंदा रखो। मोदी जी अगर आप दुनिया के मुल्कों में जाते हो, मैंने कहा मोदी जी के मुंह पे कहा मैंने मानगढ़ में बांसवाड़ा के अंदर, मोदी जी आप जाते हो दुनिया के मुल्कों में आपका सम्मान होता है। क्यों होता है? क्योंकि दुनिया जानती है कि आप गांधी के देश से आए हो। दुनिया जानती है आप उस मुल्क से आए हो जहां 70 साल के बाद में भी वोटों का राज कायम रहा है, पाकिस्तान से बार बार सैनिकों का शासन नहीं हुआ, इसलिए आपको सम्मान होता है। अब मोदी जी चेहरे में रख लड़ेंगे, मुझे अभी मीडिया में पूछा क्या मोदी से चेहरे में रखने तो मोदी जी वर्ष अशोक गहलोत हो जाएगा, मैं भाई वो तो विश्व गुरु है, वो कहां विश्व गुरु और कहां मैं पतंग सेवक राजस्थान का। मैंने कहा भैया मैं विश्व गुरु की बात नहीं करता, वो तो विश्व गुरु है, मैं लेकिन लड़ूंगा सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पर, वो मुद्दा होगा क्या हमने 5 साल में प्रदेशवासियों के लिए काम किया कि नहीं किया, क्या हमने राजस्थान में सोशल सिक्योरिटी की स्कीम बनाई कि नहीं बनाई, चाहे पेंशन की हो, चाहे मनरेगा शिविर हो, चाहे वो 25 लाख का बीमा हो, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है 25 लाख का बीमा, जिसे घर में इलाज होता ना उनको ज्यादा फील होता है, तो बाकी लोगों को लगता है कम से कम तकलीफ आ गई घर में अब पैसा नहीं लगेगा। माँ बाप बूढ़े होते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि माँ बाप का अंतिम समय तक सेवा करें, डॉक्टर इशारा कर देगा भाई बचेंगे नहीं, तो ऐसे परिवार हैं जो 50,000 खर्च हो या 1 लाख खर्च हो तभी उधार लेंगे, गहने गिरवी रखेंगे, मकान बेच देंगे, गिरवी रख देंगे, लाख रुपए खर्च कर देंगे माँ बाप को बचाने के लिए, हमारे संस्कार है। अब ना तो उनको गिरवी रखने की जरूरत है ना बेचने की जरूरत है, अशोक गहलोत बैठा था, हमने गारंटी लिए राजस्थान के अंदर, हमारी सरकार ने लिए, मैंने लिए, साइन करके दिया आप लोगों को जो आप लोग शिविर में गए थे, मेरे शिविर में, कि मैं अब गारंटी देता हूं 25 लाख तक का बीमा इलाज आपको फ्री होगा चाहे ऑपरेशन किसी से का हो। कल मैंने वीडियो देखा एक औरत का, उनके दोनों पैरों के घुटने के चेंज हो रहे हैं फ्री के अंदर, हार्ट की महिला बैठी दाबू देवी जी अलवर में, उसकी बात मैंने सुनी, कल एक महिला की वीडियो देखा उनके दोनों घुटने दोनों खुले 4 चेंज हुए हैं, 1 रुपया नहीं लगा उसका। दाबू देवी जी ने कहा मेरे तो हार्ट बदल गया, हार्ट बदलना बहुत बड़ी बात है, तो क्या आप बार बार मुख्यमंत्री बनो, मेरे दाबू देवी जी आपकी भावना का मैं कदर करता हूं, पर मैं कई बार सोचता हूं इस मुख्यमंत्री पद को मैं छोड़ दूं, पर मुख्यमंत्री पद मुझे छोड़ नहीं रहा है, अरे बात सुनो, मैं कहता हूं हर बात में बोलता हूं सोच समझ के बोलता हूं, अगर ये बात बोली मैंने तो सोच समझ के बोली थी, मैं कहना चाहूंगा मीडिया वालों को सबको कि मैं समझता हूं कि रनिंग के अंदर मैंने कॉमेडी कर दी, सोच समझ के बोलता हूं हर शब्द में राजनीति के अंदर, इस प्रकार बोला था मैं, मन में आता कि भाई छोड़ दें, अब क्यों आता वो छोड़ी बात, वो तो रहस्य है, पर मन में आता है छोड़ दें, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है, ये कहने की हिम्मत चाहिए आदमी, और हाईकमान फैसला करें वो मुझे मंजूर है, आप सोचिए कि इतना बड़ा फैसला मैं खुद कर रहा हूं भाई कि हाईकमान का तो फैसला मुझे मंजूर हो गया होगा, पर ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए भाई कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा है, इतने मैं कहना चाहूंगा आज राजस्थान का जो 2030 की बात मैं क्यों कर रहा हूं, उस वक्त कौन मुख्यमंत्री रहेगा, किसी सरकार रहेगी, किसी को नहीं मालूम है, ये तो 23 के बाद चुनाव होंगे, 4 से 5 साल बाद चुनाव होंगे,
उसके बाद 30 आएगा, 2030 बाद में आएगा, कौन उस पर रहेगा भाई? अभी तो एक चुनाव, फिर दूसरा चुनाव, फिर अगले चुनाव, तीसरे चुनाव के पहले 30 आएगा। उस वक्त में हम कहते विजन हमारा होना चाहिए प्रदेशवासियों का, पूरे प्रदेशवासियों, इंटेलेक्चुअल को, साहित्यकारों को, पत्रकारों को, हर क्षेत्र में लोग, इंडस्ट्री वालों को, टूरिज्म वालों को जो रोजगार देते हैं, उन सबको हम पूछ रहे हैं कि बताओ आप लोग 2030 तक रास्ता कैसा बनना चाहिए, 30 तक कैसा बनना चाहिए, कैसे उसमें लॉर्ड ऑर्डर होना चाहिए। तब तक मैंने कई रिफॉर्म्स किए हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य है, क्या मैंने कहा है, थाना में जाओगे तो आपकी FIR जो है वो थानेदार को कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी। ये क्रांतिकारी फैसला है, वो जाते नहीं थाना के अंदर, जाएंगे वहां बेइज्जती करते पुलिस वाला, तू ताम बात कर, तू आया कैसा आया, कहां से आया है, अच्छे से लोग भी भाग जाते वहां पर, क्या बेइज्जती करवाए। अब कंपल्सरी कर दी मैंने, मैंने कहा इससे संख्या बढ़ेगी, नंबर बढ़ेंगे, पर लोगों को न्याय मिलेगा, फरियादी को न्याय मिलेगा, वो हो रहा है। ये लोग जो हैं बीजेपी वाले ये कहते हैं राजस्थान में अभी मणिपुर, आप बताइए प्रधानमंत्री जी, मुझे अफसोस होता है, प्रधानमंत्री पद के हम मान सम्मान आदि करते हैं, प्रधानमंत्री देश का होता है, वो देश का होता है, वो बीजेपी का नहीं होता है। अब प्रधानमंत्री जी को अभी तक भ्रम है मैं बीजेपी के प्रधानमंत्री में क्या कर सकता हूँ, उनके जो व्यवहार है देश के अंदर, बोलने में, चालने में, बॉडी लैंग्वेज में, जब वो एक पार्टी की प्रधानमंत्री है, वो खाली हिंदुओं की प्रधानमंत्री है, क्या बात कर रहा आप लोग, ये बहुत खतरनाक बात है। प्रधानमंत्री अगर आप चुने गए हो डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी जिंदा कांग्रेस ही रखा है, डेमोक्रेसी सामने कांग्रेस ने करी है देश के अंदर, मान सम्मान गरीब का क्यों हो रहा है, हम जाके पैरों में हाथ लगा, मैं लगाता हूँ, बूढ़ा आदमी हो, सिल्लुकार हो, दलित हो, पिछड़ा कोई हो, फिर मेरे को आशीर्वाद देना। तो आप बताइए मान सम्मान हो रहा है उसका, अगर वोटों में राज नहीं होता गरीब को कौन पूछता देश के अंदर, और उनको जिंदा रखा कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, एक सेकंड नहीं लग रहा मुरारी भाई देसाई ने सत्ता सौंप दी, ये वो डेमोक्रेसी मजबूत हुई। तो कहने का मतलब है अब मोदी जी अपने आप को क्यों मानते, खाली मैं बीजेपी का प्रधानमंत्री हूं, मैं कल हिंदुओं का प्रधानमंत्री हूं, हो रहा है देश के अंदर। पूरी दुनिया जो है ये जो आप देखते हो मीडिया में कि बहुत बड़ा नेता बन गए प्रधानमंत्री जी दुनिया के मुल्कों के, हिंदुस्तान में से गुरु बन रहा है, वहां पता कीजिए जाकर अमेरिका के अंदर, जर्मनी में, इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर, आपको मालूम पड़ेगा मणिपुर की घटना को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। वहां की जनता में ग्रेजुएट हो गया, शुरू हो गया ग्रेजुएट चल रहा है वहां पर, वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं एक फिल्म आ गई जो रेप कर दिया बच्चियों का, पहले नंगी घुमाएगी बच्ची, दो बच्चों को शहर के अंदर, फिर रेप किया, गैंग रेप। तो मीडिया ने वो पूछा कि क्या बात करते हो, ऐसे 100 केस हो चुके मेरे प्रदेश के अंदर, 1000 केस की FIR हो गई है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तब भी मोदी जी लागू हटाएंगे मुख्यमंत्री को, भाई राष्ट्रीय शासन लगा दो, वो भी शासन आप ही होता, आप केंद्र में सजा बैठे हो। और मुझे अफसोस हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो क्या रहा देश के अंदर मणिपुर में, प्रधानमंत्री प्रकट हुए मीडिया के सामने और कह रहा मैं चाहूंगा प्रदेश के सब प्रदेशवासियों के मुख्यमंत्रियों को चाहूंगा और विशेष रूप से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा वहां महिलाओं की रक्षा करो। बताओ इससे बड़ा तो इन हमारी क्या कर सकते हैं, हमारे सर्वमान पर क्या छूट कर सके। घटना होती है जोधपुर में, हमारे 3 बच्चे थे एबीवीपी के, बीजेपी के लड़के थे, वो एक बच्ची दलित वर्ग की थी, रेप कर दिया उसका, 2 घंटे पकड़ लिया उनको, उनकी बात नहीं करेंगे लोग क्योंकि वो बीजेपी संबंधित बच्चे थे। बजरंग सेना भी बनी हुई है साइड में, रेप कर दिया उसके नाम नहीं लेंगे, मध्य में रेप हो रहे
एक एक्स एमएलए बीजेपी के बेटे का उसमें नाम आ गया, उसका नाम नहीं लेंगे। कई कहते हैं राजीव हो रही है, कहानी होती है, पर राजस्थान वो राज्य है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जहां पर घटना होने के बाद में जितनी त्वरित गति से हमारी पुलिस ने कार्रवाई करी है, 3 घंटे में 4 घंटे में 6 घंटे में पकड़ लिया आरोपियों को, कितने राज्य में पकड़े जा रहे हैं। बिरोड़ी घटना इतनी मानवीय घटना है, लड़की ने रेप किया, क्या किया, जला दिया उसको, 5 जो लड़के थे वो 3 घंटे में पकड़ लिया सबको, 1-2 और भागे फिर रहे हैं। अब उसमें पुलिस पकड़ ही सकती है, घटना किसी के घर में होती है मालूम पड़ता है आपको, ऐसी घटनाएं सुनते शर्म आती है। एक भाई ने अपनी बहन का रेप करने लग गया, कल ही खबर आई थी, हमारे राजस्थान में और कहीं राज्य में है, उनको 5-10 साल की सजा हो गई है कोर्ट से। अलग बात है घटनाएं होती, परिवार के रिश्तेदार मिलने वाले, अभी खबर आई मजदूर काम करता है, उनके दोस्त ने उसकी बेटियों को 2 बेटियों में रेप कर दिया, अब कौन कह रहे पुलिस वाले घर घर जाएंगे, आप हम लोग मालूम कर सकते हैं क्या। जब हालात इतनी निकृष्ट स्थिति में पहुंच गई है, क्यों पहुंच गई है, अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे नैतिकता पर, पूरे देश के केंद्र सरकार हो राज्य में सरकारें हो, अगर हम माहौल ऐसा नहीं रखेंगे देश के अंदर, कानून राज नहीं रखेंगे, आज कानून की धज्जियां उड़ रही है, लोग तो खतरे में है, संविधानी धज्जियां उड़ रही है, क्योंकि आप ईडी इनकम टैक्स सीबीआई की छापे डलवा रहे हो यहाँ पर। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, राजस्थान में 2023 की बात इसलिए कर रहा हूं, अब राजस्थान में स्थिति है, किसानों का मैंने अलग बजट पेश किया था, आपको मालूम होगा, अलग बजट पेश करना हिंदुस्तान में पहली बार मैंने शुरू किया है देश के अंदर, और राजस्थान आज मैंने कहा आप शिक्षा में बढ़ गए आगे, राइट टू हेल्थ एक्ट पास कर दिया राजस्थान में, पिछले लोगों का बीमा नहीं किया हमने, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया राजस्थान के अंदर, समझना पड़ेगा आपको उसको। ये जो हम काम करते जा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि अब जो राजस्थान में सब कुछ हुआ है, तो क्यों नहीं हम लोग राजस्थान को एक सपना लेके चले, 2030 तक राजस्थान देश के अंदर अगर नंबर 1 नहीं बने तो कम से कम राजस्थान देश के जो नंबर 1 राज्य होते 3-4 उनकी सनी राजस्थानी पहुंचे, ये तो हम कल्पना कर सकते सोच सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कहने को बहुत सारी बातें होती है, मैंने तहसील खोल दी है बताइए आप, और 4.5 साल में 1,284 राजस्व ग्राम ने रेवी विलेज बना दिए, 1,131 पटवार मंडल बना दिए, 32 सर्कल बना दिए, 125 उप तहसील बना दी, 85 तहसील बनी है, 35 एडी ऑफिस खोले हैं, 35 13 एडीएम लगे हैं, 1 असिस्टेंट कलेक्टर लगे हैं, कहने मतलब जिले बने हैं, इसमें तमाम अभी नौकरी लगेगी, वहां पर स्टाफ जाएगा, काम साधन शुरू हो जाएगा, आज शाम तक कलेक्टर की घोषणा हो जाएगी, कलेक्टर एसपी की घोषणा हो जाएगी, तमाम काम साथ चलेंगे। इस प्रकार से जो है अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिसमें आप देखिएगा बात छोटी नहीं होती है, मैंने कहा मैं बहुत लंबी बातें हैं, सोशल सिक्योरिटी 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, 1 करोड़ लोगों को 1,000 रुपये पहले की गारंटी बन दे दी है, सबको कम से कम 1,000 की पहले मिलेगी, क्योंकि 1.5 मिल रही, ज्यादा उम्र के लोग है तो, विधवाओं को, एकल नारी को, दिव्यांगों को, बुजुर्गों को। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप भी पूरे देश के लोगों की सिक्योरिटी करें, हर परिवार की, बुढ़ापे के मजदूर परिवार इसलिए ऐसे नहीं होती घर चलाने की, सरकार कोई एहसान नहीं करती हम लोग आप पे, ये महंगे राज शिविर हमने खोले हैं, ये कोई एहसान नहीं किया आपके ऊपर, हमारा फर्ज बनता है वित्तीय प्रबंधन हम करें अच्छा, महंगाई है तो मार कम करें, और क्या कर सकते हम लोग, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब ग्रामीण ओलंपिक चल रहे हैं,
परंतु ये कटारिया जी, प्रताप सिंह जी, मय जोशी जी और कौन के लेते गोविंद मेघवाल जी और कौन चांदना जी, तो मंत्री खुद ही मंत्री भाई खिलाने वाला है सबको। कैसे पूनिया जी सभी कबड्डी मैच में भाग लिया, और पिछली बार मैंने जब किया था 30 लाख लोग आए थे पंजीकरण के, 10 लाख मिलाए थे। इस बार 58 लोग आए हैं और 24-25 लाख महिलाएं उसके अंदर है। हर गांव में मैच चल रहे हैं अभी, 5-6 तरह के वॉलीबॉल भी है, कबड्डी भी है, खो खो भी है। हम चाहते हैं हमारे यहाँ की प्रतिभाएं हैं वो आगे बढ़े, खिलाड़ी और देश दुनिया में नाम करे। आज पूरे राज्यों के अंदर, देश के अंदर इन ग्रामीण ओलंपिक की चर्चा हो रही है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की इतनी हो रही है कि नया प्रयोग अच्छा किया है, गांव गांव के लोगों को मैदान में उतार दिया, बुढ़ापे के अंदर 80-80 साल की उम्र के लोग कबड्डी खेल रहे हैं, महिलाएं कबड्डी खेल रही है। कल देखा मुझे फिल्म, वो छोटे मिला में महिलाओं की मैच देखी मैंने, बल्कि अखबार में आई थी, करते अखबार में आई थी महिला खेलती हुई। आप सोच सकते हो ये सोच है, जो सोच रखता सकारात्मक उनके विचार से पैदा होते हैं, जो सोच रखते हैं नकारात्मक उनके सोच अलग ढंग के पैदा होते हैं। वो सोच होता है हिंसा का, उस होता है तनाव का, दुर्भावना का, दूसरे निगाहने का। गांधी जी ने कहा, ये तो कहा था, हिंसा का जवाब हिंसा कभी नहीं हो सकता दुनिया के अंदर। अगर आप एक आंख फोड़ी किसी ने, उसका बदला एक आंख फोड़ के लोगे, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, अंधी हो जाएगी। कितनी बड़ी बात कही गांधी जी ने, हिंसा का जवाब कभी हिंसा नहीं हो सकता है। क्या ये हमारे मोदी जी की पार्टी आरएसएस वाले इन बातों को समझ रहे हैं क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, जिसको ये मानते हैं, राष्ट्र की तरह ही बड़ी मानवता होती है। अरे मानवता ही नहीं होगी, मानव मानव को लोग हम लोग सेव नहीं करेंगे, प्रेम भाव नहीं रखेंगे, तो राष्ट्र कहाँ रहेगा आपका? क्या ये सोचते हैं? ये स्थिति है देश के अंदर। ये सब लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? पूछ लू भाई, लगा लूंगा मेरे ख्याल से। मेरे भी क्या, अभी वो प्रॉब्लम के बाद में एक महीना तक मैं जो सोया रहा घर के अंदर, उठे थोड़ी मुझे और कमजोरी आ गई, क्योंकि बचपन से मैं उछल कूद करने वाला आदमी रहा हूँ। उछल कूद ही करती जिंदगी बीत गई मेरी, पता नहीं पड़ा मैं 70 साल का हुआ कब। ये तो कोरोना आया, मैं घर बैठने लगा, 3 बार कोरोना मुझे हो गया है, और कोरोना के मेरे को हार्ट का वो स्टेंट भी लग गया है। पोस्ट कोविड प्रॉब्लम ध्यान दोगे आप लोग भी, कई लोग 40 साल के लोग मर जाते हैं हार्ट अटैक के नाम पे, बच्चे मर जा रहे हैं, मर रहे हैं। वो कोविड के बाद में प्रॉब्लम दुनिया भर में हो रही है, उसके नाम भी मरते हैं कई लोग, 30-35% लोग। किसी आंख खराब हो रही है, किसी का थकावट आती है, किसी की मेमोरी खत्म हो रही है, ये पोस्ट कोविड है। तो कहने का मतलब मेरी स्टैंड लग गया, तो मुझे मालूम पड़े वास्तव में मेरी अभी एज हो रही दिखती है, या मेरे जादू शादी ब्याह में बच्चों के, तो दूल्हे का या दुल्हन का बाप कहता है, आप मेरी शादी में आए थे साहब बच्चों के, तो दूल्हे का या तो ही शादी में आया था, तेरी बच्चों की शादी हो रही है, इसलिए मुझे मेरी उम्र भी बढ़ गई दिखती है। वो तो मालूम भैया मेरे को परमानेंट दुआएं मेरे साथ में प्रदेशवासियों की। अब तुम बताओ यार, अगर दुआएं नहीं होती तो मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी माली कम्युनिटी है, एक एमएलए असेंबली में माली कम्युनिटी का, और वो मैं खुद ही हूं, तब भी मुझे प्रदेशवासी, मुझे छत्तीसगढ़ के लोग बर्दाश्त करेंगे, कम बात है क्या? बर्दाश्त ही करें वो,
तीन बार मुख्यमंत्री बना दिया सोनिया गांधी ने, बोले राहुल गांधी ने, तीन बार होता कभी हिंदुस्तान में? इसलिए मैंने कहा कि 2030 का मैं क्यों कह रहा हूं, अभी हमने बजट के अंदर हर ब्लॉक के अंदर रिको के क्षेत्र खोल रहे हैं, रिको के, आप कल्पना कीजिए हर ब्लॉक एसडीओ हेडक्वार्टर पर इंडस्ट्री के रिको के सेंटर खुलने लग गए, वहां पर छोटे मोटे वहां पर उद्योग धंधे लगेंगे वहां पे लोगों के, एमएसएमई का हमने एक्ट बना दिया असेंबली के अंदर। तो इस प्रकार से हमने जो एक्शन किया है ना, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में कुछ कमी आ रही, बिजली भी मुझे मालूम है संकट है वो, और सड़कों में 1,40,000 किलोमीटर सड़क हम बना रहे हैं, 1,40,000 किलोमीटर। गांव में जाओगे सड़कें अच्छी मिलेगी, अब कहीं कहीं टूटी हो जाती है मालूम मुझे, बरसात में टूट जाती है अलग बात है, अच्छी क्वालिटी सड़कें मिलेगी। ये सब काम जब मैंने किए हैं तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं क्यों नहीं आगे बढ़ूं। और देखिए एक और चार्ट सुनाऊं मैं आपको, देखो राजस्थान देश में कहाँ का नंबर वन है वो मैं एक चार्ट बताऊ आपको, आपको गर्व होना चाहिए प्रदेशवासियों को। सबसे ज्यादा जो नए सेंटर खोले हमने हेल्थ के लिए, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, तो गांव तक हमें मजबूत करने पड़ेगी स्थिति, सब सेंटर हो ये भाई चुप रहो, सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, देश में नंबर वन हम लोग। मेडिकल कॉलेज ये प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करते हैं राजस्थान में आके, और आप बताइए हमारा देश का जो संविधान है वो कहता है संघीय ढांचे हमारे यहाँ पर है, राज्य में बनेगी राज्य सरकार बनेगी, केंद्र में सरकार होगी, एक संघीय ढांचा कहलाता हो, प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री है, किसी राज्य में कोई प्रोग्राम होगा केंद्र का तो वहां के मुख्यमंत्री को अवश्य इन्वॉल्व करना ही पड़ता है। बीकानेर ने प्रोग्राम किया, मेडिकल कॉलेज बन रही है 60% दे रहे हैं वो, 40 दे रहे हम, और यही कॉलेज बन रही थी मनमोहन सिंह जी वक्त में तो 75% देती थी गवर्नमेंट भारत सरकार, 25 देते थे हम, तो पैसा देने के बाद भारत सरकार का मतलब नहीं होता था, ये सब काम स्टेट का होता है। जितनी भी सीएचएस की योजनाएं हैं वो तमाम योजनाएं 25-30 तरह की होती है, कहीं 90-10, कहीं 80-20, कहीं 70-30, कहीं 60-40 होता था, वो इमदाद है राज्यों को, संविधान के अंतर्गत इमदाद है, संविधान के अंतर्गत है। ये पहली गवर्नमेंट आई है जो अपना अधिकार समझती है, यहां आकर के उन्होंने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया, और मेरा नाम लिखा हुआ था स्पीच के अंदर, 3 मिनट की स्पीच दिखा दी, 3 मिनट की, 3 मिनट में मैं 3 बातें उनको कहता खाली, एक ईआरसी भी ठोक देता मैं, एक दो जो 3 कॉलेज हमारे यहाँ संचन जी भारत सरकार से, राजसमंद, प्रतापगढ़ और जालोर, वो उसकी मांग कर देता मैं, भाई आप, हमने कहा कि हम बनाएंगे, बहुत पैसा लगेगा राजस्थान का, आप भी हिस्सेदारी करो बाकी कॉलेज, और एक आधी बात और कहता मैं, और क्या करता, मानगढ़ का पार्टी में बनना है, परसों राहुल गांधी आ रहे हैं, इस पर बनना था जलियांवाला बाग की तरह, आदिवासियों क्षेत्र में 1200 आदिवासी मर गए थे वहां आजादी जंग के अंदर, उनका स्मारक बनना था, 2-3 बातें में कहता है, 2-3 टिप्पो तो लगाने थे, उससे मुझे वंचित कर दिया। एक मुख्यमंत्री को नाम आगे छप करके बोलने में रात को फोन आ रहा, नहीं आपको नहीं बोलना है, मैंने सुबह 7 बजे ट्वीट कर दिया, आजकल ट्वीट का जमाना है, आप लोग भी सब प्रदेशवासियों को कहना चाहूंगा सोशल मीडिया में आप आगे बढ़ो, दुनिया के, आप दुनिया की मुट्ठी में है, जो राजीव गांधी का जो सपना था 21st सेंचुरी का, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल आ गए, आज क्रांति हो गई है, तमाम सरकारी योजनाओं विभाग में कंप्यूटर से काम होते हैं, मैं जो डीबीटी करता हूँ लाखों लोगों को, महिलाओं को, चाहे वो 500 रुपए सिलेंडर की बात हो, चाहे लंबी रोग में गाय मर गई हो, 40,000 रुपए दिए मैंने गाय का, दिया हिंदुस्तान में कहीं पर, एक गाय के 40,000 रुपए,
हिंदुस्तान में दिया है क्या बताइए आप? 40,000 एक गाय मरने पर। आगे मैं काम देने जाने जा रहा हूँ, दो पशुओं एक परिवार में बीमा कर रहा हूँ, 40,000 का बीमा कर रहा हूँ, गाय भैंस का कर रहा हूँ। आप बताइए, ये मैं कर रहा हूँ और आप बताइए, मेरा नाम काट दिया एक मुख्यमंत्री का, मैंने ठोका सुबह 7 बजे ट्वीट तो पीएमओ खुद घबरा गया, वापस जवाब दिया, वापस जवाब देने नहीं, आपके ऑफिस लेकर आप जुड़ नहीं रहे हो। मैंने किसने कहा? मैंने फिर वापस ठोका उनको, एक और लिख के भेजा उनको, देखो लिखित में आपका मैंने कहा है कि हम वहां जुड़े, पीसी से मैं जुड़ रहा हूँ और मैं पीसी जुड़ूंगा, आपके वहां लिखित में आ गया भाई मुझे जुड़ना है, फिर मना क्यों किया? फिर जवाब आना बंद हो गया, पूरे देश में उनकी न्यूज खबर बनी, मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा प्रधानमंत्री को। अब देखिए आप, सरकारी कॉलेज खोलने में मेडिकल में हम नंबर वन है, आईपीडी टावर बन रहा है आपके एसएमएस के अंदर 26 मंजिल का, जिसमें हेलीकॉप्टर उतर सकता है आगे, मरीज को लाना ले जाने में जरूरत पड़ी तो वो बन रहा है राजस्थान में, सबसे अधिक यूनिवर्सिटी मैंने कहा आपको राजस्थान में, ओपीए लागू करने वाला कर्मचारी बैठे यहाँ पे कोई नहीं बैठे होंगे, हाथ खड़ा करो कोई कर्मचारी हो तो 15-20 तो ही हो कोई बात नहीं, इतने काफी है, बाकी तो पूरे राजस्थान में ओपीएल हो गई है, क्या तब नहीं हुई है, पूरे देश में हो गई है, ओपीएल ओपी सी है वो राजस्थान का राज्य है, शांति अहिंसा के विभाग हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, हमारे यहाँ गांव गांव में कैंप लग रहे हैं, आपको मालूम होगा, आप मेरे कुछ लोगों को मालूम भी होगा, ये मेरी बात सुन रहे हैं गांव वाले पूरे देश के प्रदेश के अंदर, उनको मालूम होगा हमारे यहाँ गांव तक में एसडीएस कैंप लग रहे हैं प्रशिक्षण के, गांधी के संदेश को गांधीवादी बनाने के लिए नौजवानों को, आने वाली आज हम जो देश में जिंदा है देश के अंदर प्रदेश के अंदर, हमारी जिम्मेवारी पूरी तब होगी तो हम आने वाली पीढ़ियों को अच्छे संस्कार देके जाएंगे, अच्छी परंपरा देके जाएंगे, उनको अच्छे विचार देके जाएंगे, संस्कार देके जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है वो अच्छे नागरिक बने, समाज को मानवता की सेवा करे, मानवता की सेवा तो बड़ी सेवा कोई है ही नहीं, देखो वो करे वो लोग, तो वो बन रहा है हमारे आईपीडी जवाब बन रहा है। हाँ शांति इच्छा भी बताने का आपको, कैंप लग रहे हैं हमारे वहां पर, शानदार हैं, ट्रेनिंग कैंप हो रहे हैं सब जगह पर, छह इशू से मैंने कहा पेंशन दिया हमने 1 करोड़ लोगों देने नंबर वन है, दूध के उत्पादन में हमारे पशुपालकों में बदल देना चाहता हूँ, नंबर वन है देश के अंदर दूध के उत्पादन में राजस्थान नंबर वन है, ऊन के उत्पादन में नंबर वन राजस्थान है, ऊन के उत्पादन में भी सोलर पार्क जो है जो सूर्य किरणों से बिजली बनती है, बरला में लगा फरोदी झीला बना आज, वहां फरोदी में जा नहीं पाया आज, मैं आज आपके यहाँ नहीं आता, अभी मुझे फरोदी होना था जिले के अंदर, मेरी वो मेरा क्षेत्र रहा वो लोकसभा का, मैं जिला बना, मैं वहां पे मेरा नाम लिखा हुआ था, पर क्योंकि मैं जो वो 1.5 लाख लोग गरीब लोग, वो संजीवनी जो एक सोसाइटी थी उन्हें घपले कर दिए, 1,000 करोड़ डूब के लगभग 1,000 करोड़ डूबे उनके, तो उसमें हमारे गजेंद्र सिंह जी साहब जो केंद्रीय सम्मानित मंत्री हैं उनका भी नाम आ गया, उनके परिवार का नाम आ गया, तो मैंने कहा भाई ये जो बाकी लोग अभियुक्त हैं, और मैंने नहीं कहा, मैंने ये गृह मंत्री मेरे से मिलने आए वो लोग, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि 60 लाख डूब गए, 80 लाख डूब गए, 25 लाख डूब गए, 10 लाख डूब गए, इतना सीएम हाउस में आए थे। मैं जोधपुर गया तो जो लोग 100 लोग आए कि मेरे 1.5 करोड़ डूब गए, मेरे 2 करोड़ डूब गए, जयपुर में सोचा 80 लाख डूब गए बेचारे के, जो गरीब आदमी बूढ़ा आदमी है, जोधपुर में गया तो 1.5-2 करोड़ की बात की तो मेरा और दर्द हुआ, मैं भावुक हो गया, मैंने भगवान सिंह रोड साल इनके गुरु हैं गजेंद्र सिंह जी के, अच्छे आदमी है, उनको मैंने फोन किया, मैंने कहा भगवान जी अपने शिष्य को इसको गरीबों